नमस्कार दोस्तों, बदो स्वागत आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने फोन के इंटरनेट की स्पीड को मॉनिटर कर सकते हैं, यानी कि पता कर सकते हैं कि आपके फोन के इंटरनेट की स्पीड कहां पर तेज चल रही है और कहां पर कम। दोस्तों कई बार हम काम करते हैं और हमारे फोन के इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो हो जाती है, लेकिन हमारे घर में ही कई जगहों पर हमारे इंटरनेट की स्पीड बहुत फास्ट भी रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा ही तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके इंटरनेट की स्पीड फास्ट है और कहाँ पर आप तेजी से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए, ताकि आपको हमारी बनाई हुई ऐसी वीडियो लगातार मिलते रहे। ये बिल्कुल फ्री होता है। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है जो कि ये वाली एप्लीकेशन है, और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। और दोस्तों मैंने इसको अभी डिलीट कर दिया था ताकि मैं आपको यहाँ पर शुरू से दिखा सकूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। अब आप मेरी स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए कि मैंने अभी यहाँ पर वाईफाई चालू किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे वाईफाई की ही स्पीड यहाँ पर दिख रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं वाईफाई को यूज़ कर रहा हूँ, मेरे वाईफाई की स्पीड यहाँ पर दिख रही है। तो उसी तरह मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन को थोड़ा ये नीचे करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर मेरे दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए सिग्नल, देखिए आप स्पीड यहाँ पर 77, 81, 78 और सिग्नल की स्ट्रेंथ 53% यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, तो देखिए 128 किलो बाइट, यानी कि बहुत तेज़ी से, मतलब स्पीड यहाँ पर मेरी बहुत फास्ट है। जो कि अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर अपने डाटा को ऑफ कर देता हूँ, सॉरी मैं अपने वाईफाई को बंद करके यहाँ पर देखिए मैं अपने इंटरनेट यानी मोबाइल डाटा को ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर लिया है। अब मैं दोबारा से इस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि हर जगह पर हमें वाईफाई नहीं मिलता, इसलिए मैंने अपने वाईफाई को ऑफ कर दिया है और मैंने अपने मोबाइल डाटा को ऑन कर लिया है। और ये चीज़ आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर ऊपर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर आपको मेरे मोबाइल का डाटा ऑन यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेरे मोबाइल के डाटा की यहाँ पर, अब यहाँ पर खपत, ये जो है ये खपत है, यानी कि हम कितना डाटा यूज़ कर रहे हैं ये उस हिसाब से यहाँ पर शो करता है। तो ये टुडे है, तो टुडे का यहाँ पर आपको आ जाएगा। आप पूरे महीने का भी यहाँ मॉनिटर कर सकते हैं कि आप पूरे महीने हर दिन कितना डाटा आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ये नीचे आप स्क्रीन पर अगर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर मेरे फ़ोन की जो डाटा की स्पीड है वो कितनी दिख रही है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 KB या 2 KB, 3 KB, जबकि मैं जियो का 4G यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए फिर भी उसके बाद भी स्पीड देखिए कितनी कम है। तो यहाँ पर कम, बहुत कभी कभी एकदम तेज़ होगी और कभी कम हो जाएगी। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 57, 2 KB, 37। तो आप कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत कम स्पीड है, जबकि मेरे वाईफाई की स्पीड जब थी तो वो बहुत ही तेज़ थी। दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाने कर बात यह है कि यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किस तरह से ये पता कर पाएं कि आपके आसपास कहाँ पर फ़ोन की या आपके डाटा की स्पीड तेज़ है या नहीं, ताकि आप अपने फ़ोन की स्पीड का मॉनिटर कर सकें और अपने इंटरनेट की स्पीड का लाभ ले सकें। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है, आप इससे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।